Shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch. You ain't seen anything. I pop off with the new. इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं डी क्रस्ट सोनीपत के बारे में बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी और इस कॉलेज को रिव्यू करने के लिए तो आज डी क्रस्ट के बारे में सारी डिटेल्स यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे प्लेसमेंट्स होती है हॉस्टल्स कैसे फैसिलिटीज क्या क्या आपके पास यहाँ पे रहता है फी डिटेल्स भी बताऊंगा और बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे यानी कि डी क्रस्ट मूर्थल के बारे में जो भी जानकारी है जो भी चीजें हैं ए टू जेड इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी और कोई भी डिटेल्स मिस नहीं होती है अगर थोड़ी बहुत चीजें रह जाती है आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ लेना मैं उसका भी जवाब आपको वहां पर दे दूंगा आ जाते हैं अबाउट सेक्शन के ऊपर 1986 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के द्वारा किया गया ये कॉलेज है यहाँ पे जो है आ, मुर्थल के अंदर बहुत सारी यहाँ पे कोर्सेज करवाई जाती है आर्किटेक्चर बायोमेडिकल बायोटेक है आ, सेंटर और सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर एनर्जी एंड इन्वायरमेंट स्टडीज के लिए अलग से यहाँ पे डिपार्टमेंट रहता है केमिकल इंजीनियरिंग सिविल है कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और मैकेनिकल ब्रांच तो इन इतने सारे ब्रांचेस यहाँ पे रहती है कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे उत्सुक रहते हैं इस कॉलेज के अंदर लेने के लिए उसका क्या कारण है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे आगे बात करेंगे ठीक है हाउ टू रीच मैं कनेक्टिविटी की बात करूँ तो सोनीपत जंक्शन से आपका सेवन पॉइंट टू किलोमीटर्स के आसपास रहता है यानी कि रेलवे के थ्रू आप जाना चाहते हो दूसरे स्टेट से हो या फिर इसी स्टेट हरियाणा के अंदर ही कहीं दूसरे आ, कोने से आप आते हो जाने में दिक्कत नहीं है बहुत यानी कि आप सोनीपत जंक्शन जाओगे सात किलोमीटर के आसपास आपका यहाँ पर यूनिवर्सिटी रहता है और दिल्ली से आप एयरपोर्ट से आना चाहते हो बाई एयर तो आपको जो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली के अंदर है वहां से डायरेक्ट आपको यहां पे आना होगा और दिल्ली पास में ही है तो ज्यादा दिक्कत नहीं है उसके बाद बात करूँ प्लेसेस आप कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हो वाटर पार्क्स है ढाबा वगैरह है और दिल्ली जैसा मैंने कहा कि पास में है तो आप घूमने के लिए दिल्ली वगैरह जा सकते हो वहाँ पे तो चीज़ों की कमी नहीं है वो तो आपको पता है ठीक है तो इतनी चीजें मैं यहाँ पे हाउ टू रीच कनेक्टिविटी के ऊपर बात करूँगा की पॉइंट्स की बात करूँ तो टोटल दो सौ एकर्स का इसका कैंपस रहता है नेक के द्वारा ए मान्यता इसको प्राप्त है ए यहाँ पे दिया गया है लोकेलिटी रूरल है थोड़ा सा गाँव के इलाके में है एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी बना हुआ है वो रूरल एरिया के अंदर बना हुआ है गांव की जमीन पे बना हुआ है तो होता क्या है जो मुरथल विलेज के लोग हैं उनको यहाँ पे एडमिशन में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है उनके लिए अलग से एडमिशन प्रोसीजर चलता है तो अगर आप मुरथल से हैं तो आप इसमें जरूर से एक बार पार्टिसिपेट करें काउंसलिंग के अंदर वहाँ पर आपको फ़ायदा मिलने वाला है आपके लिए अलग से विंडो ओपन होती है और काउंसिलिंग होती है जे के बेसिस पर एडमिशन होता है काउंसलिंग एच की काउंसलिंग होती है और कॉलेज लेवल की काउंसलिंग होती है कॉलेज लेवल की काउंसलिंग क्या होती है जिसमें जब एच की काउंसलिंग आपकी समाप्त हो जाती है तो आपके वेबसाइट के ऊपर डी क्रस्ट के वेबसाइट के ऊपर जो मैंने दिया है नीचे वेबसाइट इस पर फॉर्म आती है कि भैया अभी भी कुछ सीट्स बाकी है हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर ब्रांचेस के अंदर उनमें जाके आप अप्लाई करते हैं और फिर जाके सारी चीज़ें डिटेल में होती है आप वहाँ पर जाते हैं आपका नंबर आता है वहाँ पर बैठते हैं आप सीट्स अगर रहती है तो वहाँ पर एडमिशन हो है। जब आएगी चीजें बताऊंगा चैनल को इसके लिए आप से कर ले। लैंग्वेज यहां का हिंदी रहता है हरियाणवी भी, भी बोली जाती है वेदर नॉर्मल रहता है एलुमिनाई की बात करूं संजय अरोरा और बहुत सारे रिसर्चर्स यहाँ पे रहते हैं यूनिवर्सिटी पी एच वगैरह की चीजें भी यहाँ पे होती है तो रिसर्चर्स वगैरह यहाँ पे रहते वेबसाइट आपको दिख जाएगा नीचे बात करूँ फ़ी डिटेल्स के बारे में तो फ़ी डिटेल्स थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूंगा कि एडमिशन के टाइम पे आपको दस हज़ार रुपये लग रहे होते हैं जो कि एडमिशन फ़ी होती है रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है और रिफंडेबल काउजर मनी भी होती है और टी एन पी फी भी आपकी होती है उसके बाद यूनिवर्सिटी फ़ी आपकी लग रही होती है नौ हज़ार सात सौ पचास रुपये जो कि हाफ़ ईयरली यानी सेमेस्टर वाइज लग रही होती है उसके बाद ईयरली बेसिस पे आपको डेवलपमेंट फी लैब इक्विपमेंट के लिए रिनोवेशन के लिए लाइब्रेरी के लिए उसके बाद कंटिन्यूएशन फ़ी वगैरह टोटल इक्कीस हज़ार रुपये लग रही होती है

यहाँ पे रहते हो लेकिन बात यह है कि हॉस्टल्स मिलने में तकलीफ होती है थोड़ी सी फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को स्टार्टिंग में कहा जाता है कि हॉस्टल्स नहीं मिल पाएंगे क्योंकि हॉस्टल्स फुल हो चुके हैं लेकिन ऐसा नहीं होता है कि धीरे धीरे आपको हॉस्टल्स दे देते हैं इसीलिए ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है जो बाहर के बच्चे हैं ना जो हरियाणा के बाहर के उनको तो पक्के से हॉस्टल मिल जाते हैं लेकिन जो हरियाणा के भी है रैंक थोड़ी सी अच्छी तो हॉस्टल्स यहाँ पर मिल जाते हैं एक बात मैं बताऊँ कि हॉस्टल का इशू लगभग रहता ही है हरियाणा के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटीज़ हैं कॉलेज तो नहीं कहूँगा कॉलेज में व्यवस्था है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कोर्सेज़ ज़्यादा हैं तो हॉस्टल्स की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को छोड़ के लेकिन हाँ मिल जाता है आपको हॉस्टल बाय द वे एट द एंड आपको हॉस्टल्स मिलते हैं स्टार्टिंग में दिक्कत होगी जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो इंसान क्या होता है ना कि आप जाओगे आ, ना ही आपने कभी देखा है ना ही कुछ आपके लिए बहुत नई नई चीज़ है तो आप वहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है इरिटेट हो जाओ फ्रस्ट्रेट हो जाओ कि यार मैं कहाँ आ गया हॉस्टल नहीं दे रहे ये नहीं दे रहे बिल्कुल नहीं ऐसा होना है थोड़ा सा काम रहना है आराम से चीज़ें देखनी है पेशेंस रखना है आपको हॉस्टल से मिलते हैं और आप यहाँ पे रहते हो हॉस्टल की फ़ी दस के आसपास रहती है हॉस्टल फ़ी की बात भी करते हैं यहाँ पर ठीक है हॉस्टल्स की फी आपको दस के आसपास यहाँ पर लग रही होती है पर साल फैसलिटीज़ की मैं यहाँ पे बात करता हूँ यूनिवर्सिटी कंप्यूटर सेंटर आपको देखने को मिलता है जैसे हम लोग लाइब्रेरी जाते हैं बहुत सारी बुक्स होती है ना उसी तरीके से यूनिवर्सिटी कंप्यूटर सेंटर के अंदर आपको कंप्यूटर्स रहते हैं जो कि सी वाले बच्चे और भी बहुत सारे जो डोमेन के बच्चे हैं वो वहाँ पे जाके अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह कर सकते हैं काम कर सकते हैं ठीक है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी आपको देखने को मिल जाता है ठीक है जहाँ पे आपके पास ई रिसोर्सेज देखने को मिल जाते हैं क्रस्ट लाइब्रेरी डॉट जाके आप बुक्स को एक्सेस कर सकते हो जैसे बहुत सारी बुक्स है यहाँ पे तो फाइंड कर सकते हो आप वेबसाइट पे जाके कि ये बुक कहां पे है तो आपको दिख जाएगा इस वाले आ जो है आ फ्लोर पे जाके आप जाओगे तो मिल जाएगा आपको बुक तो इस तरीके सारी व्यवस्था की गई है मैनेजमेंट सिस्टम जबरदस्त है सेल है यहाँ पे जो लड़कियों के लिए बहुत सुविधा यहाँ पे रहती है और सेफ्टी का ध्यान रखा गया है उसके बाद नेशनल सर्विस स्कीम एन वाली चीजें भी होती है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है मेडिकल फैसिलिटीज़ है एटीएम पोस्ट ऑफिस स्पोर्ट्स की चीजें हैं हाँ हरियाणा के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा यहाँ पे दिया

कि ये ऑनलाइन का कट ऑफ है बेसिकली जैसे ऑनलाइन की काउंसलिंग होती है एच एस की होती है ना आपकी दो काउंसलिंग होती है तो आप जब ऑनलाइन काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हो तो उसका कट ऑफ है यहाँ पे सी एस सी मैं बात करूँ तो ये सिक्सटी तक क्लोज हो गई थी ऑल इंडिया के लिए अगर मैं बात करूँ कि जनरल जो है हरियाणा के उनके लिए यहाँ पे, पे ये छियालीस हज़ार रैंक जेई रैंक पे यहाँ पे क्लोज हो गई थी आ, वही बी सी ए के लिए भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि तीन लाख संतानवे हजार सॉरी नहीं नहीं बी के लिए यहाँ पे फिफ्टी फोर तक बी के लिए भी यहाँ पे क्लोज हो गई थी और थ्री लाख नाइन्टी सेवन थाउजेंड इलेक्ट्रिकल का है सॉरी उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो गई लेकिन हाँ क्लोज हो जाती है ब्रांचेस ऑनलाइन के अंदर लेकिन वही फिजिकल काउंसलिंग के अंदर यहाँ पे अगर आप जनरल हो हरियाणा के तो आपको लगभग एक लाख रैंक तक आपको यहाँ पे सी एस ब्रांचेज मिल जाती है उसके लिए आप ध्यान रखेंगे कैसे काउंसलिंग करनी है वो तो मैं आपको बताऊंगा ठीक है स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं जैसा मैंने बताया स्पोर्ट्स यहाँ पे बहुत ज्यादा रहता है टेनिस अकेडमी बास्केटबॉल अरिना

सब चीज़ों में इन्वॉल्व होकर सारी चीजों को एक्सप्लोर करते हुए बिताना है तो वो चीज यहाँ पे थोड़ा सा रहता है उसके बाद मैं प्लेसमेंट्स की यहां पे बात करूं तो प्लेसमेंट के अंदर मिनिमम सैलरी पैकेज वन से टू एल पी ए का और मीडियम थ्री एल पी ए का यहाँ पे रहता है दो के अंदर यहाँ पे जो है ऑफ कैंपस एक बच्चे का पी ए का पैकेज लगा था बहुत शानदार प्लेसमेंट है ये सिक्सटी सेवन का ऑफ कैंपस बच्चों की अपनी भी मेहनत होती है तो उसने सिक्सटी सेवन का यहाँ पे फोड़ा तो थोड़ा सा यहाँ पे हाई बन गया कॉलेज के अंदर तो एडमिशन्स वगैरह भी यहाँ पे बहुत तगड़े होने लगे और यहाँ पे कटक भी थोड़ी सी हाई यहाँ पे जाने लगे तो मैक्सिमम सैलरी पैकेज सिक्स टू टेन का रहता है मिनिमम वन टू टू का यहाँ पे रहता है रिक्रूटर्स की मैं यहाँ पर बात करूँ तो टी हो गया क्विनबे हो गया विप्रो है इन्फोसिस टेक महिंद्रा सैमसंग है कॉग्निजेंट ये सब कंपनीज़ यहाँ पे आती है क्विनबे सेवन पॉइंट फाइव सेवन का पैकेज इन्होंने दिया है चार बच्चों को लेके गई है वीरसा टेक्नोलॉजी जो कि दस बच्चों को ले गई है सेवन पॉइंट फाइव पे और टी सी एस डिजिटल सेवन पॉइंट टू पे एक बच्चे को लेके गई है तो प्लेसमेंट ठीक ठाक है मैं इतना बढ़िया भी नहीं कहूँगा लेकिन हाँ मास रिक्रूटिंग कंपनीज़ ज़्यादा आती है बच्चों को थोड़ा सा अपने लेवल पे मेहनत करना होगा ऑफ कैंपस आपको करना होगा और तभी आप जाके एक अच्छा प्लेसमेंट यहाँ पर ग्रैप कर सकते हो एक ड्रीम पैकेज मन में सोच के दिमाग में सोच के लोग कॉलेज जाते हैं यूनिवर्सिटी जाते हैं तो वो चीज़ अगर आप चाहते हो तो आपको मेहनत वहाँ पर मारनी होगी साथ ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ साथ इन चीज़ों पर भी आपको ध्यान देना होगा इसके बाद में कुछ प्रोज एंड कॉन्स की बात करूँ तो प्रोज क्या है कॉलेज इज़ फुलफिल्ड विथ ऑल द बेस्ट फैसिलिटीज़ फैसिलिटीज़ बहुत कमाल की है इन्फ्रास्ट्रक्चर बहुत कमाल का है uh, उसके बाद सराउंडेड बाई गुड एंड ग्रीन इन्वायरमेंट ऑब्वियसली ग्रीन इन्वायरमेंट है अच्छा इन्वायरमेंट है फी कम है आपकी प्लेसमेंट होती है एवरेज कंपनीज़ आती है uh, ठीक ठाक प्लेसमेंट आपकी हो जाती है एट द एंड मैं कहूँगी फी आपकी जो है कम है आर बहुत कमाल का यहाँ पे रहता है आ, बहुत कमाल उतने लेवल पे भी नहीं लेकिन हाँ एवरेज हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं प्लेसमेंट्स वगैरह को भी कि हाँ ठीक ठाक हो जाती है सेवन जैसा मैंने आपको बिजनेस स्लाइड में देखा है सेवन एल का लगभग हुआ है बच्चों का प्लेसमेंट तो सेवन एल एवरेज यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कॉन्स की बात करें तो प्लेसमेंट यहाँ पे थोड़ी सी लो है ऑब्वियसली uh, मैंने यहाँ पे बताया एवरेज है लेकिन अगर आप बड़ा ड्रीम लेके चल रहे हो बड़ी चीज़ों को लेके चल रहे हो तो आपके लिए प्लेसमेंट लो हो सकता है कौन के अंदर उसको हम कंसिडर करते हैं प्रोजेन कौन सी दोनों के अंदर चीज़ें रहती है फेस्ट वगैरह नहीं होते इतने अच्छे तो उस चीज़ों के ऊपर आप यहाँ पे ज़्यादा सोच नहीं सकते ज़्यादा कर नहीं सकते फेस्ट वगैरह यहाँ पर नहीं होती है उतना बढ़िया चीज़ यहाँ पे होता नहीं आपके लिए बाकी क्लब्स वगैरह है उनको आप ज्वाइन कर सकते हो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो और चीज़ें यहाँ पे ठीक ठाक रहेंगी हॉस्टल्स को मैंने सिक्स आउट ऑफ टेन दिया स्पोर्ट्स को फोर आउट ऑफ टेन फैसिलिटीज सिक्स आउट ऑफ टेन कैंपस सिक्स आउट ऑफ टेन और प्लेसमेंट फोर आउट ऑफ टेन ऑफ कैंपस जाओगे तो अच्छा प्लेसमेंट आप यहाँ पे ग्रैप कर सकते हो आपके पास बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी इतने कम फी के अंदर ठीक है एंड बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और रिव्यू अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ सजेस्ट करें कि और कौन कौन से कॉलेजेस का हम यहाँ पे रिव्यू करें जरूर हम लोग उन वीडियोस को भी लेके आएंगे और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम लगी हो तो आप जरूर से उसको भी कमेंट करें कि भैया आप ऐसे नहीं ऐसे बताइए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा ठीक है एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो